ओम शांति। रात्रि कहानी, जीवन का मूल्य। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। एक आदमी आया और बोला, भगवान, जीवन का मूल्य क्या है? मैंने कई बार इसे समझने की कोशिश की, पर नहीं समझ पाया। मेरी जिज्ञासा शांत करें। महात्मा बुद्ध ने उसे एक चमकता पत्थर दिया और कहा, जाओ इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना, इसको बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर लेकर बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाले ने चमकती हुई हीरे को देखकर बोला, यह पत्थर वैसे मेरे काम का तो नहीं है, पर फिर भी तुम इसके 12 संतरे ले लो, मुझे यह दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा कि एक बोरी आलू ले जाना। आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास पहुंचा, उसे पत्थर दिखे। सोनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे दूंगा। उस आदमी ने मना कर दिया तो सोनार बोला, 4000 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे सकता हूं। इसके बाद भी आदमी पत्थर बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सोनार बोला, तुम इसकी जो कीमत मांगोगे मैं दे सकता हूँ। उस आदमी ने सोनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मना किया है। आदमी फिर पत्थर को लेकर हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस बेशक कीमती हीरे को देखा तो पहले उसने रत्न के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस अमूल्य रत्न को रखते हुए परिक्रमा की, माथा टेका। फिर जौहरी उस व्यक्ति से बोला, कहाँ से लाए हो यह अमूल्य रत्न? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, यह अनमोल रत्न है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास पहुंचा, सारी बात बताई और बोले, अब बताइए भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? महात्मा बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया, उसने उसकी कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने इसकी कीमत एक बोरी आलू लगाई, जबकि सुनार ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं और जोहरी ने इसे अनमोल बताया। अब यही बात मानव जीवन के साथ भी है। यह अनमोल हीरा है ना, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाला तुम्हारी कीमत अपने सामर्थ्य और अपनी जानकारी के अनुसार ही लगाएगा। शिक्षा है, हर एक के जीवन की परिभाषा अलग अलग है, सभी इसे अपने ही नजरिया से देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसे ही उसका आकलन करते हैं। परमात्मा शिव की शिक्षा। द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है, क्योंकि कलयुग अब बच्चा नहीं रहा, अब बूढ़ा हो गया है, इसी कारण कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग कहा जाता है। सभी किसी न किसी रूप से दुखी हैं, तभी तो पुकारते हैं, हे सुख करता दुख हरता आओ। परमात्मा भी दुख की दुनिया अर्थात कलयुगी रूपी रात्रि में आते हैं। इस कलयुगी रूपी रात्रि में आने के कारण शिवरात्रि मनाया जाता है। अच्छा, ओम शांति।